जी वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपकी टेक बहुत जलाती टिप्स एंड ट्रिक्स टू मेक योर लाइफ सिंपलर एंड इजियर। हम कर रहे हैं बहुत एक्साइटिंग सीरीज करवा चौथ प्रेपरेशंस का, और उसी प्रेपरेशंस में नेक्स्ट चीज जो हम करने वाले हैं इज मेकिंग द मीठा। अब आप पूछेंगे मीठा किस बात के लिए, तो जब हम फास्ट खोलते हैं मून की पूजा करने के बाद हम सबसे पहले एक मीठी चीज चखते हैं, और इसीलिए हम ये मीठा बनाते हैं। अब ये मीठा आप बाहर से भी ले सकते हैं, लेकिन जैसे मैंने आपको पहले ही बोला था, आई एम गोना मेक इट डिफरेंट दिस ईयर, आई एम गोना डू एवरीथिंग फ्रॉम स्क्रैच, इसलिए मैं मीठा भी घर पे बनाने वाली हूँ। लेकिन क्योंकि टाइम कंस्ट्रेंट्स हैं, तो हम करने वाले हैं एक बहुत ही झटपट रेसिपी टू मेक सेसमे चिक्की। हाँ जी, ठंड का टाइम हो चुका है, बाहर स्नो पड़ रही है, और ये बेस्ट टाइम है चिक्की खाने का, और वो भी सेसमे वाली। आप इसको गुड़ के साथ भी बना सकते हैं और चीनी के साथ भी बना सकते हैं, एंड ट्रस्ट मी, ये लेस देन 15 मिनट्स में रेडी मिलेगी आपको। सो लेट्स नॉट वेस्ट टाइम एंड लेट्स क्विकली गेट टू द रेसिपी। बिगिन बाय पुटिंग इन द सेसमे सीड्स ऑन अ पैन, एंड यू डोंट हैव टू बर्न इट, सो बी वेरी केयरफुल। पुट इट ऑन मेबी अ लो फ्लेम एंड देन जस्ट स्लाइटली मेक श्योर दैट दे गेट ब्राउन। सो दिस इज हाउ ब्राउन आई वॉन्ट देम टू बी। So this is the one that white. This is how white they were when they came. And this is how brown. Just slightly do this, and now we're going to just take it off the flame and keep it separately. I think only this much. It's because I'm making very very less. It's only for me, and it's not required कि ज़्यादा बने, इसलिए इतना सही बन रहा है. Next step से पहले हम करेंगे एक और preparation. So to prepare for the next step, you have to take a silver foil. Big enough so that you can put the stuff on put, and then just put some drops of ghee on this and then spread it out correctly. So I prefer to do this on a chakla and keep my belna ready. Now the next step is put the pan back, put some ghee into this pan, very little ghee because my consistency is, sorry, my quantity is very very less, just little bit of ghee. एंड जितने आपने सेसमी सीड्स डाले हैं उतनी इसमें चीनी डाली। अगर आप गुड़ यूज़ करना चाहें तो आप गुड़ भी यूज़ कर सकते हैं, मैं चीनी यूज़ कर रही हूँ। मैंने करीब 4.5 सेसमी सीड्स टी स्पून लिए थे, और मैंने लिए हैं 4.5 स्पून ऑफ शुगर, और इसको मैं करने वाली हूँ मिक्स। इसमें पानी बिल्कुल नहीं डालना है, ये शुगर हीट से मेल्ट होगी और अपने आप लिक्विफाई होगी, तब तक हम इसकी वेट करेंगे। जैसे आप देख सकते हैं स्लोली स्लोली शुगर मेल्ट हो रही है, इसे हम पूरा पूरा मेल्ट होने देंगे और साथ में इसको मूव करते रहेंगे। जैसे ही पूरी शुगर मेल्ट हो जाती है, क्योंकि क्वांटिटी लेस है, मैं सारी शुगर को एक साइड पे खींच लेती हूँ ताकि मेरे लिए इजी हो, और इसको वेट करेंगे पूरा मेल्ट हो जाए। शुगर मेल्ट हो चुकी है, अब इसमें डालेंगे हम जल्दी से सेसमे जो हमने पहले से ही ड्राई रोस्ट करके रखा हुआ है। मिक्स हो चुकी है, अब हम इसको फटाफट से ठंडा होने से पहले पहले इस पे जाके ले कर देंगे अच्छे से, ताकि हम इसको कूल डाउन करके इसको फिर काट सकें। इसको पूरा डाल दिया है इस पे, और इस पे अच्छे से ले कर दिया है। इसके साइड्स थोड़े से जितने, अभी आप देख सकते हैं ये ऑलरेडी थोड़ा सा स्टर्डी हो चुका है, थोड़ा सा और स्टडी होने की देर है फिर ये रेडी होगा। अब हम फटाफट अपना नाइफ रेडी कर लेते हैं। जब ये थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा तो हम ये नाइफ से इसको ऐसे काट लेंगे बीच में से। अभी आप देख सकते हैं ये अभी भी थोड़ा सा गूई है, ये जब थोड़ा सा क्रिस्टलाइज होने लगेगा इसके बाद हम इसको काटेंगे, हल्का सा, पूरा तरह से नहीं। अगर आप वंडर कर रहे हैं कि इसको फ्लैट कैसे कर सकते हैं, तो आप इसको चाकू की हेल्प से हल्का सा प्रेस कर सकते हैं और इसको ठंडा कर सकते हैं। काफी ठंडा हो गया है, तो मैंने इसके अंदर ये कट डालने स्टार्ट कर दिए हैं। डिसेंट अमाउंट ऑफ चिक्की चाहिए मुझे एक बड़ी सी, तो मैं इसको इस हिसाब से काट रही हूँ। अभी एक दो सेकंड और वेट करेंगे ताकि ये एब्सोल्युटली कूल हो जाए। अब ये ठंडी हो चुकी है, तो हम इसको हल्के से सेपरेट कर देंगे। आपको सेपरेट करने में दिक्कत नहीं आएगी क्योंकि आपने नीचे घी लगाई थी, ये बिल्कुल कोल्ड नहीं है, हल्की सी वार्म है, पर इस टाइम पे आप इसको ऐसे, ये यहाँ स्टिक नहीं होगी। अगर आप थोड़ी सी, अगर आपको दिक्कत हो रही है इसको काटने में, इसका यही मतलब है कि ये वार्म है, थोड़ी सी मेरी हाथ की पकड़ने की पूरी कैपेबिलिटी ज़्यादा है,
देख सकते हैं क्रिस्पी हो गई है, नाइस एंड क्रिस्प हो गई है। थोड़ा सा और वेट करेंगे तो ये ठंडी हो जाएगी, इसको और वेट करेंगे थोड़ी देर। बिल्कुल रेडी हो चुकी है, आप ये देख सकते हैं बिल्कुल करारी सी साउंड आ चुकी है एंड आप चिकी इज एब्सोल्युटली रेडी। अब ये मैंने बढ़िया से पैक करके रख देनी है ताकि मेरा एक काम कल के लिए कम हो गया। आपने देखा कितना सिंपल रेसिपी था और इतनी झटपट बन गया। सो आई एम श्योर इसको देखने के बाद आपको बहुत मन कर रहा होगा कि अभी ट्राई करते हैं, चाहे हम करवा चौथ का व्रत रखते हैं या नहीं रखते हैं। इस मौसम में सेसमे की चिक्की खाना तो सबको ही पसंद आता है। तिल की चिक्की है ये और आई एम श्योर आपको बहुत पसंद आएगी और इतने छोटे टाइम में अपनी शुगर क्रेविंग्स और हेल्दी शुगर क्रेविंग्स खत्म करने के लिए देयर इज नो बेटर रेसिपी। फॉर मोर अपडेट्स एंड टू फॉलो माई करवा चौथ प्लान एंड प्रेपरेशंस, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड हिट द बेल आइकॉन सो यू गेट द नोटिफिकेशंस और आपको मेरे सारे वीडियो सबसे पहले दिख जाएंगे। टिल नेक्स्ट टाइम, दिस इज योर टेक बहु साइनिंग ऑफ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको ऐसे ही टिप्स एंड ट्रिक्स और देखने हो तो सब्सक्राइब बटन पे जरूर हिट कीजिएगा और ये बेल आइकॉन जरूर दबाइए ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहे। थैंक यू।